नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या एंड अदर्स, एक सुप्रीम कोर्ट की 1 अक्टूबर 1963 की जजमेंट है उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस मामले में अपना डिसीजन दिया था और ये केस था सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 से संबंधित सेक्शन 20 का। यानी कि देश में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था और ये जो कानून बना था ये न्यूयॉर्क में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी उसके जो प्रावधान थे उसको कानून के रूप में बनाने के लिए ये कानून बना। और उसके बाद ताकि महिलाओं की जो है ट्रैफिकिंग ना हो और दूसरा जो है वेश्यावृत्ति को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये मुख्य इसके एक तरह से बिंदु थे। इस केस में कानपुर की एक घटना है। कानपुर में जो है एक सब इंस्पेक्टर अपने क्षेत्र में जो मजिस्ट्रेट है उसको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसे ऐसे 6 महिलाएं हैं और ये वेश्यावृत्ति में लिप्त है। और जब ये इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को मिलती है तो मजिस्ट्रेट जो है इसी कानून के तहत जिसमें सेक्शन 20 में अगर इन्फॉर्मेशन मिले तो वो उन्हें नोटिस भेज सकता है। तो इसमें मजिस्ट्रेट उनको नोटिस भेजता है कि आपके बारे में ऐसे ऐसे जो है एक सूचना मिली है और उसमें ये एलिगेशन है कि आप जो है वेश्यावृत्ति का काम करते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपकी एक्सप्लेनेशन दी जाए, अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगी तो आपको इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये जब नोटिस उन महिलाओं को मिलता है तो वो उसे चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो नोटिस है ये लीगली मेंटेनेबल नहीं है। और उसके बाद वो अपील में ऊपर जाते हैं, फिर रिवीजन में हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट से उनको एक तरह से रिलीफ मिल जाता है। जब हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तो स्टेट की तरफ से स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला जब आता है तो इसमें 2-3 मुख्य जो कानूनी क्वेश्चन है वो ये आते हैं कि जो महिलाएं हैं जो जिन पर एलिगेशन है कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इंगेज्ड हैं, उनकी तरफ से ये कहना है कि ये जो प्रोविजन है जिसके तहत उन्हें नोटिस भेजा गया है ये एक तरह से आर्टिकल 14 का वोलेटिव है और दूसरा ये आर्टिकल 19 का वोलेटिव है। आर्टिकल 14 का वोलेटिव इस तरह से है कि ये महिला महिला के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करता है और एक प्रोस्टिट्यूट को दूसरी प्रोस्टिट्यूट के साथ भी ये डिस्क्रिमिनेट करता है। तो ये एक तरह से जो मजिस्ट्रेट है उनको भी डिस्क्रिमिनेशनरी पावर इस तरह से देता है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर को आर्बिट्रेरी रूप से इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी भद्र महिला को वो एक तरह से ऐसा नोटिस दे करके उसके जो डिग्निटी है उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है, इस तरह की बातें इसमें आती हैं। दूसरा ये भी आता है कि आर्टिकल जो 19 है उसमें आर्टिकल 19(1)(d) और (e) जिसमें राइट टू फ्री मूवमेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, यानी पूरे देश में कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वो कहीं भी घूम सकता है सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। और दूसरा जो है इसमें कि आर्टिकल 19(1)(e) जो है जो राइट टू रेजिडेंस है, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, उसको सेटल होने की और रिसाइड करने की जो उसका फंडामेंटल राइट है ये उसके साथ भी एक तरह से इन्फ्रिंजमेंट है और उसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसके बियॉन्ड ये नोटिस जो है मजिस्ट्रेट को पावर देता है और ये सेक्शन 20 जो है इसलिए भारतीय संविधान का वोलेटिव है। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुई तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जजमेंट में इस बारे में पूरा डिटेल में बताने की कोशिश किया है कि ये कानून बनाया क्यों गया था, इस कानून का पर्पज़ क्या था, इसकी हिस्ट्री और इसके अलग अलग जो सेक्शंस हैं उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताने की कोशिश की है कि इसका पर्पज़ इस तरह से था कि जो 1950 में न्यूयॉर्क में कन्वेंशन हुई थी इंटरनेशनल कन्वेंशन जो कि महिलाओं का जो ट्रैफिकिंग है मानव तस्करी है उसको रोका जा सके, और दूसरा जो है इस कानून का ऑब्जेक्ट ये भी था कि प्रोस्टिट्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सके ताकि समाज में जो है पब्लिक
एक तरह से जो मोरेलिटी है और पब्लिक हेल्थ है उसको भी बरकरार रखा जा सके। तो इसमें पूरे जो सेक्शंस हैं उनके बारे में बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बताने की कोशिश की है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है, और रीजनेबल जो क्लासिफिकेशन है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बेसिस पर ये कानून सही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अगर रीजनेबली क्लासिफाई किया जाता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसमें बताने की कोशिश की है कि एक आम महिला और एक वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई महिला, वो दो अलग-अलग, उनको अलग-अलग क्लास में रखा जा सकता है। दूसरा जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन में ये भी है कि एक वो महिला जो वेश्यावृत्ति में संलिप्त है और ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर कोई वो ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं रहते, और वो एक तरह से समाज में इस तरह का कोई कार्य नहीं करती है जिससे कि पब्लिक मोरेलिटी और पब्लिक हेल्थ को इमीडिएट डेंजर हो, और एक वो महिला जो ऐसी जगहों पर रहती है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास रहती है, किसी हॉस्पिटल या हॉस्टल के पास रहती है, और उससे ये खतरा है समाज को कि जिससे कि पब्लिक मोरलिटी और पब्लिक हेल्थ जो है खराब हो। तो इस बेसिस पर उन वो दो अलग अलग क्लास हैं और उनको रिजनेबली क्लासिफाई किया जा सकता है। इसलिए ये जो कानून का प्रावधान है ये आर्टिकल 14 के को जो है वायलेट नहीं करता है। जहां पर आर्टिकल 19(1)(d) और ई की बात थी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो राइट टू मूव फ्रीली है उसमें रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक इंटरेस्ट में, और वो पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते ही वो ही जो मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है वो दी गई है, और राइट टू रेजिडेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, और जो व्यक्ति जो समाज को एक तरह से खतरा हो जाता है तो उसको उस जगह उसकी जो राइट टू रेजिडेंस है उसको कर्टेल किया जा सकता है, उस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, और राइट टू फ्री मूवमेंट पर भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जहां तक इसमें मजिस्ट्रेट की पावर की बात दी गई थी इसमें भी ये कहा कि जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो अनफेटर्ड और आर्बिट्रेरी नहीं है। अगर जो इसमें जिस तरह से नोटिस इशू करता है मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट जब नोटिस इशू करता है तो उसके पास कुल मिलाकर के दो क्वेश्चन होते हैं कि क्या आप पर जो एलिगेशन लगाया गया है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या आप प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं, क्या आप वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व हैं, अगर नहीं है तो आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए, अगर हैं तो क्यों ना आपको इस लोकेलिटी से बाहर निकाल दिया जाए। तो ये बात है, इसमें जो महिला है वो या जो लड़की है खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है मजिस्ट्रेट के सामने या प्लीडर के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू, और अगर कोई ऐसा जो ऑर्डर जो है मजिस्ट्रेट की तरफ से आता है तो उसको अपील में ऊपर जो है अपील की जा सकती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उसके बाद अनफेटर्ड या आर्बिट्रेरी पावर है जो एग्जीक्यूटिव पावर है और वो कोर्ट के हिसाब से ही काम करता है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स से संबंधित जो कानून है इसके बारे में बताया कि इसका इम्पोर्ट क्या था, इसका पर्पज क्या था, और जो लोग इस काम में इन्वॉल्व होते हैं उन पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, और ये कानून एक तरह से सही है। इसके अलावा उसी समय के दो अन्य जो जजमेंट थी, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का था और दूसरा बेगम से संबंधित, एक बेगम नाम की एक महिला होती है और एक शमा बाई नाम की महिला होती है जो उत्तर प्रदेश का एक जजमेंट है, उसके बारे में भी इस जजमेंट में जो है जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और ये बताया है कि रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऐसे मामलों में लगाया जा सकता है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कानून का जो स्पेसिफिक जो प्रावधान है 20(b) जिसमें इंफॉर्मेशन मिलने पर मजिस्ट्रेट नोटिस इशू करता है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो केवल उसी कानून में एक स्पेशल जो है सब इंस्पेक्टर स्पेशल पावर के तहत अपॉइंट किया जाता है। तो उसमें कहा गया कि वो उन लोगों के लिए है जब ऑफेंस को कमिट करते हैं और उस उन पर जब पनिशमेंट की बात होती है, अदरवाइज कोई भी आम व्यक्ति
कोई भी इन्फॉर्मेंट जो है मजिस्ट्रेट के पास जो है ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो है मजिस्ट्रेट आगे की कार्रवाई करता है। तो ये था केस जो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या एंड अदर्स का। नमस्कार, धन्यवाद।